हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अबाउट सिविल इंजीनियरिंग। तो आज का अपना टॉपिक है स्टेयर केस। आज का अपना टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे सिविल इंजीनियरिंग के व्यू से। तो आपको आज का अपना टॉपिक स्टेयर केस। स्टेयर केस आपको मालूम होगा स्टेयर केस क्या होती है। अपने घर की जो सीढ़ियाँ होती है उसे स्टेयर केस कहते हैं। तो स्टेयर केस का मेन पर्पज़ क्या है? एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाने के लिए हमें स्टेयर केस का यूज़ करना पड़ता है। जब एक फ्लोर पे दूसरे फ्लोर पे कोई चीज़ पहुंचानी हो तो हम स्टेयर केस के माध्यम से उसे वन फ्लोर उसे वह पहुंचा सकते हैं। तो उसके बारे में आज देखते हैं। आप ये बहुत ही विड्थ ऑफ स्टेयर केस जानते हैं? मिनिमम विड्थ ऑफ स्टेयर केस क्या होती है किसी भी बिल्डिंग में बनाने के लिए? तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो, अपने घर की बिल्डिंग हो, तो उसमें जो विड्थ होती है स्टेयर केस की, मतलब ऐसी लंबाई कितनी है, ये जो स्टेयर केस है ये ऐसी लंबी कितनी है, ये है रेजिडेंशियल बिल्डिंग। अपने घर की बिल्डिंग के लिए हम इसे मिनिमम 1 मीटर टू 1.25 मीटर तक रख सकते हैं, मिनिमम रख सकते हैं। आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं और कम भी रख सकते हैं। और होटल्स के लिए देखिए, होटल्स के लिए 1.5 मीटर, 1.5 मीटर मिनिमम है। और असेंबली बिल्डिंग मतलब हॉस्पिटल, सिनेमा थिएटर और ऑडिटोरियम, ऐसे कोई बिल्डिंग हो तो उसमें हम 2 मीटर तक रखते हैं। इसके लिए ज़्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ज़्यादा आती है, यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल्स के हिसाब से हम इसे अज्यूम कर सकते हैं। एजुकेशनल बिल्डिंग, यहाँ पे हमें 1.5 मीटर टू 2 मीटर तक रख सकते हैं एजुकेशनल बिल्डिंग में के लिए। और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, जहाँ पे कारखाना हुआ, कारखाने की जगह पे हमें 2 मीटर तक रखना है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा चाहिए, वहाँ सामान ले आने जाने के लिए जगह बहुत चाहिए, तो वहाँ पे इससे भी ज़्यादा रख सकते हैं और कम भी रख सकते हैं इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में लिए। और थ्रेड, जो थ्रेड मतलब ये क्या है, ये अपनी स्टेयर कैसे, ये राइजर और ये थ्रेड मतलब ये मिनिमम थ्रेड थ्रेड की थ्रेड देखते कितने लेते हैं। रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए हमें थ्रेड लेना है कम से कम 250, मतलब 250 mm, मतलब और इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, मतलब 0.25 मीटर में, मतलब 250 mm मिनिमम ले सकते हैं, और इससे ज़्यादा हम 300, ऐसे 300 तक ले जा 300 350 तक ले जा सकते, इसे 300 तक ही ले जा सकते हैं, 300 mm मैक्सिमम 300 mm। और अदर कोई बिल्डिंग मतलब इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग हो, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो, सिनेमा थिएटर, एजुकेशनल कोई बिल्डिंग हो, वहाँ पे हमें ये ज़्यादा रखना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा आते हैं और वो जगह ही ज़्यादा चाहिए अपने को, तो वो 300 से 350 तक ले जा सकते हैं, और इससे भी ज़्यादा ज़्यादा भी ले सकते हैं, पर इतनी काफ़ी होती है 350। अब राइजर देखते हैं। राइजर क्या है? राइजर मैंने पहले आपको समझा ही दिया था राइजर क्या होता है, मतलब इसकी लंबाई, मतलब ऐसा डिस्टेंस देखते हैं। अब राइजर होता है रेसिडेंशियल बिल्डिंग में, हमें राइजर 190 टू 200 mm तक चाहिए, मतलब रेसिडेंशियल बिल्डिंग में कम ही चाहिए, और ज़्यादा इतना मैक्सिमम ले सकते हैं हम, इससे ज़्यादा बहुत बड़ा हो जाएगा वो, इतना कम से कम तो हम इतना ले लें फिर। और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, उसमें राइजर कम चाहिए क्योंकि वो बहुत लंबी सीढ़ियाँ होती है ना, इसीलिए मतलब वहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, इसलिए हमें राइजर कम ही देना पड़ता है। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, ऐसे हॉस्पिटल, एजुकेशनल बिल्डिंग, उस पर होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। तो आज को आपका टॉपिक, ये मैंने जो अभी तक पढ़ा है उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे आप नोट कर सकते हैं। ये अप्रोक्सीमेट है, मतलब मैंने इतना हम ले सकते हैं। मैंने जो विड्थ ऑफ स्टेयर केस ये होता है रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, मतलब आपके हिसाब से, आपकी जगह, आपका प्लॉट का एरिया कितना है उसके हिसाब से। नहीं तो आप ये भी ले सकते हैं, ये आपको इजी जाएंगे, मतलब जगह हो आपके पास उतनी तो आप इतना ले सकते हैं, मतलब
ये आपको कंफर्टेबल है, ये जो मैंने लिख दिया है सब कंफर्टेबल, मतलब आपके एकदम बराबर वो हो जाएगा सभी जगह के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको आपका टॉपिक अच्छा लगा तो अबाउट सिविल इंजीनियरिंग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।